ये है नमक का रेगिस्तान, जिसे देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ भी हमारी धरती पे एग्जिस्ट कर सकता है। कुछ समय पहले तक यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मारता था, पर पिछले कुछ सालों में लोगों ने इस जगह को काफी लोकप्रिय बना दिया है। और मेरी इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े हैं ये महाशय, जो अपनी आसान जर्नी को छोड़कर मेरी इस कठिन जर्नी में शामिल होंगे। पर ये तो अभी शुरुआत है, असली परिश्रम तो शुरू होता है धौडो से निकलने के बाद, जब इस छोटी सी सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा होता है और जगह कम, फिर भी हमारी गाड़ी धीरे धीरे पहुंच जाती है खावड़ा। आमतौर पर लोग पहले कालो डूंगर जाते हैं, जहां पर पैनोरमिक व्यू लेने के बाद में सफेद रंग के साथ सूर्यास्त होते देखते हैं, लेकिन मैंने तो धौडो पहले ही कवर कर लिया, क्योंकि मुझे 5000 साल पुरानी सभ्यता देखनी है, जो कि यहाँ से थोड़ा लंबा सफर है, जिसके लिए अपनी गाड़ी को पेट्रोल का नशा कराना पड़ेगा। इसके तुरंत बाद हम रास्ता बदल लेते हैं धोलावीरा की ओर, और रास्ते में जितने भी लोग हमें देख रहे थे वो सब हमारे लिए उतने ही विचित्र थे जितने हम उनके लिए। यहाँ पर रहने वाले लोगों की कहानी जुड़ी है 1947 से, जब कुछ लोग भारत के इस हिस्से में रह गए थे और कुछ सरहद पार पहुंच गए थे, और ऐसी ही एक सरहद मुझे भी पार करनी पड़ेगी लेक के बीच से गाड़ी दौड़ाकर।